क्या कहा तुम दोनों ने? फिर से बताना। We want a divorce. Yes. Divorce? तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना? मजाक तो लाइफ ने किया, जिसमें हंसी भी नहीं आ रही और शायद अब कभी आए भी ना। मैं समझी नहीं, तुम दोनों को तो लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और अब हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे से प्यार तो क्या नफरत भी नहीं करते। In fact, we don't have any feelings for each other. I don't agree. I don't care whether you agree or not. This guy sitting next to me is a dead body to me. और हम इस मुर्दा रिलेशन को दफनाना चाहते हैं, इससे पहले कि इसकी बदबू दूसरों तक पहुंचे। अभी कल तुम लोगों ने एक दूसरे से शादी की है, मतलब कल, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम दोनों एक दूसरे के लिए डेड बॉडीज बन गए हो। कम ऑन, ग्रो अप। मेरा ख्याल है कि ये चंद घंटे काफी थे इस एहसास के लिए कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। और अलीना, हमने ये म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम इस शादी को खत्म करते हैं। I can't be Mrs. Fahad. Tell us, हमें करना क्या होगा? मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। रुमैसा, would you mind going out for a while? मुझे फहद से अकेले में बात करनी है। मैंने अभी तक तुम दोनों की शादी रजिस्टर नहीं कराई। तुम दोनों के अलावा मुझे खुदा और इस रजिस्टर को पता है कि तुम दोनों मियां बीवी हो। अलीना, खुदा माफ करने वाला है। तुम ये बताओ कि इस रजिस्टर का क्या करना है? फहद, आई एम अ लॉयर, मुझे पता है इस रजिस्टर का क्या करना है, लेकिन तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों ने अपनी लाइफ का क्या करना है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, या शायद सब कुछ हो गया। यार अलीना, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि क्या हुआ। अभी कल तुम दोनों ने शादी की है और आज मेरे पास तलाक लेने आ गए हो। कुछ तो हुआ है फहद। एक रात में तलाक तो सिर्फ मर्द के नामर्द होने पर होती है। शायद मैं नामर्द ही हूं। कम ऑन, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? मुझे तुमसे मर्द पर लेक्चर नहीं लेना। टेल मी, क्या हुआ है? कैन यू इमेजिन क्या आज हमारी शादी का पहला दिन है? फहद, तुम्हें नहीं लगता हमने शादी करने में जल्दबाजी कर ली है? You're kidding, right? No, I'm not. मेरा इस तरह घर से आना गलत बात है। But Rumaisa, क्यों घर से भागने का आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना? I know. तुम्हें पता है मेरे आइडियाज मेरी तरह स्टूपिड होते हैं। Come on, तुम स्टूपिड नहीं हो, और वैसे भी अब तो जो होना था वो तो हो गया ना। हम यूं घर से भागने वाली कैसेट को रिवाइंड तो नहीं कर सकते ना? Maybe I'm just thinking too much. Yes, you are thinking too much. चलो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा कि मैंने चाय पीनी है। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय पीने को तो? Relax. मैं दो कप पी लूँगा, उसमें क्या है? फहद,
डोंट यू थिंक वी मेड अ मिस्टेक? इतनी जल्दी शादी कर ली हमने? माय लव, हम पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हैं एंड यू थिंक इट्स जल्दी? लेकिन फिर भी लग रहा है कहीं पर कुछ गलत है. कुछ भी गलत नहीं है. इट्स जस्ट के तुम यूं अपने घर वालों को बताए बगैर यहां आ गई हो. वो परेशान होंगे और तुम भी तो अपसेट हो. देखो, ये शादी, साथ रहना, इट्स ऑल न्यू एंड ट्रस्ट मी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा. एंड वी लव ईच अदर, राइट? आई एम नॉट श्योर. आई मीन आई एम श्योर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ये पहाड़ चढ़ने जैसा है. तुम्हें पता है मुझे पहाड़ चढ़ने से डर लगता है, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये पहाड़ अपने कंधों पर उठाकर तुम्हारे साथ चलूं? कोई भी तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. अच्छा लिसन, चलो आओ सिगरेट पीते हैं, टेरेस पे चलते हैं. फहद प्लीज, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो. नहीं पीना है मुझे सिगरेट. रुमाइसा ने ना बहुत मुश्किल बचपन गुजारा है. उसके बाप को खुदा ने वक्त से पहले ही उठा लिया, और माँ, उसकी माँ अपने अकेलेपन का सारा गुस्सा रुमाइसा पे निकालती रही. रुमाइसा ने अपनी सारी जिंदगी इस थकन में गुजार दी कि वो किसी तरह अपनी माँ को खुश कर सके, पर जो अपने खुदा से खुश ना हुई वो अपनी बेटी से कैसे खुश हो सकती थी? रुमाइसा ना जो भी करती है उसको लगता है कि सब गलत है, और इसीलिए उसके अंदर बगावत भर चुकी है. तुम्हें पता था कि वो शादी तोड़ देगी, फिर भी तुमने उससे शादी की. कम से कम मुझे ये रिग्रेट तो नहीं है ना कि मैंने ट्राई नहीं किया. यू रियली लव हर? आई डू. डिमांडिंग, सफोकेटिंग, कभी भी किसी भी बात से खुश नहीं हो सकते हो तुम. एक्सक्यूज मी, तुम मुझे अपनी मां से कंपेयर कर रही हो? यू नो व्हाट, तुम खुद अपनी मां की तरह, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी मां से बात कर रहा हूं. ऐसा मैं I'm sorry. मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी माँ की तरह हो. क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, मेरा मतलब था कि तुम कभी कभी अपनी माँ की तरह बिहेव करती हो. मैं उस अजाब से पीछा छुड़वा कर तुम्हारे पास आई हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं खुद वो अजाब हूँ. ऐसा I didn't mean this. हरगिज मतलब नहीं था ये मेरा. तुम मेरे स्केप थे, और पहले ही दिन मैं स्केप में कैद हो गई हूं. क्या कहा है मैंने तुमसे? सिर्फ यही पूछा ना कि कहीं हमने शादी करने में जल्दबाजी तो नहीं कर ली. तुमने मेरी बात का जवाब देना तो दूर की बात, मेरी बात सुनना तक गवारा नहीं किया. तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, शादी से पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और. रुमाइसा बेबी, तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हो. बेबी,
All I'm saying is के अब तो शादी कर ली है ना हमने. Let's make it work. What? Why? Why make it work? कोई जबरदस्ती है क्या? Don't expect from me society के तरीके. शादी चलाने के लिए औरत मर्द की मार खाए, शादी चलाने के लिए औरत मैरिटल रेप करवाए, शादी चलाने के लिए औरत बच्चे पैदा करे, कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे मजबूरी में कुछ नहीं चलाना. वैसा देखो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैं तो जनरल बात कर रहा था. अच्छा लिसन, मैंने ना वो तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट भी लिया, मैं भी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए. नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट. हम यहाँ बात कर रहे हैं और तुम मुझे कोई खिलौना देकर बहलाना चाहते हो. मैं बच्ची नहीं हूं फाहद. मुंह दिखाई क्या होता है? पहली बार देख रहे हो मेरा मुंह? मुझे तो लग रहा है मैंने तुमसे शादी करके जल्दी नहीं गलती की है. Enough, रुमैसा, बहुत हो गया. मैं कब से देख रहा हूं कि तुम सिर्फ अपनी सुनाती जा रही हो. That's very selfish of you. हाँ, selfish हूँ ना मैं? हाँ, तुम selfish हो. तुम्हें अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता. इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम, डूब चुकी हो अपनी खुदगर्जी के अंदर. Damn it, I love you the way you never loved me, Rumaisa. मुझे लगा कि हम एक जो हो जाएंगे और तुम बदल जाओगी, ठहराव आएगा तुम्हारे अंदर. लेकिन नहीं रुमैसा, बिल्कुल नहीं. तुम कभी ठीक हो ही नहीं सकती. तुमने अपनी मां के खिलाफ बगावत की और अब तुम्हें मेरे साथ रहना क्या लग रहा है रुमैसा? मेरे साथ? रुमैसा, मेरे बाद किससे भागोगी? खुद से कैसे भागोगी रुमैसा? You are impossible. I hate you already. I hate you too. And thank you so much for ruining the first day of my marriage. यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें शादी के पहले दिन की पड़ी भी है. You are such a selfish guy. मर जाओ तुम. कोई पूछने वाला ना हो तुम्हें. ऐसा I'm sorry, Rumaisa. I'm so sorry. I'm sorry too. तुम्हें उसे तलाक देने की बजाय किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. साइकेट्रिस्ट? साइकेट्रिस्ट, ट्रेवल, एक्सरसाइज, सब करके देख लिया. अब शादी ही आखिरी रास्ता बचा था. आई डोंट थिंक इट वुड वर्क. मेरे सिगरेट खत्म हो गए थे. गाड़ी के डैशबोर्ड में 2 पैकेट एक्स्ट्रा पड़े. बल्कि मैं चलूं साहब? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी. Okay. लड़ाई तो हर घर में होती है. तुम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल तो दिया है? सॉरी के बाद और भी बहुत कुछ बोला है. रुमैसा, मैं हमारे हनीमून की पैकिंग के लिए जा रहा हूँ. डू यू वॉन्ट टू जॉइन? आई वॉन्ट अ डिवोर्स. ज्यादा कपड़े नहीं रख के लेके जाते.
हमने कौन सा फेसबुक पे तस्वीरें लगानी है? मुझे मेरे जिंदा रहने पर भी शक है, मगर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। टर्की में बहुत ठंड होती है। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि गर्म कपड़े रख लेना। आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम खुश भी होगे। ये सब कुछ जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम्हारा जो पर्पल स्कार्फ है ना, वो जरूर रख लेना, तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। आज नहीं तो कल ही होना है। आई नो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह एक दूसरे को मोहब्बत की कैद में रखना भी तो गलत है। देर होगी तो हम दोनों के लिए एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल होगा। मैं काम करता, मैं ट्रैवल एजेंट को फोन करता और उसे फ्लाइट का टाइम चेक करता हूँ कि फ्लाइट मिस ना हो जाए, वरना हनीमून ये मनाना पड़ेगा। फाहद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। So, there is no return. लव शादी की तरफ वापस नहीं आएगी। रोमांस है ना, एक हवा की तरह है, वो नहीं रुकेगी और ना ही कोई उसे रोक सकता। मुझे लगा कि शादी ही वह घर है कि जिसकी खिड़कियां और दरवाजों में वो चलती रहेगी, लेकिन शायद मुझे नहीं मालूम था कि मेरा घर इतना घुटन वाला है। मैं वकील हूं, मुझे इतनी गहरी बातें नहीं समझ आती। तुम समझने की कोशिश ना करो। ये बताओ कि इस मैरिज सर्टिफिकेट का क्या करना है? तरीका तो है, लेकिन फीस डबल लगेगी, काम थोड़ा मुश्किल है। तुम जो भी कहो। सिर्फ इस कागज पर लिखा है कि तुम दोनों शादीशुदा हो, किसी को बताया ही नहीं। जब किसी को बताया नहीं, फिर किसी को पता ही नहीं शादी किस बात की। लेकिन ध्यान रखना किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी कि मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गए। रोमैसा को बुला ले। रोमैसा बाहर नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता? रोमैसा के पास हर वक्त सिगरेट के दो एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं। वो यहां सिर्फ गाड़ी की की लेने आई थी। अब किसी सुनसान जगह पे बैठी होगी। एनीवेज मैं ढूंढ लूंगा उसे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत हेल्प किया। इट्स ओके, अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तुम जानती हो मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लेता हूं। मैं फहद अली, अब
अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। सोचा रिश्ता तो खत्म हो ही गया, क्यों ना लव्स बोल के रस्म भी अदा कर दूं। थैंक यू फहद। और तुम जानती हो ना कि तलाक के कुछ अरसे बाद तक तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरा मजाक उड़ा रहे? हाँ, इतना तो बनता है। तुम जानते हो ना मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करती। हाँ, I have no hard feelings. I feel better now. Society के जाल में थोड़ा कम कैद। तुम्हें पता था ना मैं ऐसे ही करूंगी। हाँ, फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद वो परिंदा जो पूरी उम्र कीकर के दरख्त पर बैठा हो उसे पीपल की छांव कहां रास आएगी। मेरे दिमाग में अजीब बेचैनी से रहती है, मैं कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर पाती। एनीवेज, प्लान क्या है? परिंदे को आजादी मिली है, कुछ देर उड़ेगा फिर उसे एहसास होगा कि ये उड़ना भी कैद है। वो आसमान के पार नहीं जा सकता। कुछ देर गाड़ी रख लो तुम्हारी। तुम्हारा सामान मैंने सुबह ही ट्रंक में रख दिया था। थैंक यू फहद, मुझे समझने के लिए, इनफैक्ट मुझे बर्दाश्त करने के लिए। टैक्सी ले लूंगा। नहीं मैं तुम नहीं, तुम छोड़ने जाओगी तो अंदर नहीं आओगी तो तकलीफ होगी। कहां जाओगी तुम? मालूम नहीं। गुड प्लान। वैसा वापिस आओगी? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। गुड बाय फहद।